हालेलुया। जय मसीह की सबको स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गॉस्ट प्रेडेशन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम तो आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, फलदार होना क्यों जरूरी है। जैसे एक शमूएल एक अध्याय उसके दो आयत में लिखा, और उसके दो पत्नियां थी, एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था, और पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको यहाँ होना चाहिए, आप वहाँ पर नहीं होते क्योंकि आपकी जिंदगी में फल नहीं होते। क्योंकि जब एक व्यक्ति फलदार होने लगता है तो वो अपने आप आगे बढ़ने लगता है। हालेलुया। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि एकलाना नाम के व्यक्ति की दो पत्नियां थीं, हन्ना और पनीना। हन्ना एकलाना की पहली पत्नी थी, पर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पनीना के पास तो गर्व का फल था, लेकिन हन्ना के पास गर्व का फल नहीं था। इसीलिए पनीना का नाम पहले लिखा गया और हन्ना का बाद में। हन्ना पहले स्थान पर होने के बावजूद भी दूसरे स्थान पर हो गई। मेरे प्रियो, अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हो, तो आप कैसे फलदार बन सकते हो। आप फलदार तभी बन सकते हो जब आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो और उस पर मनन करते हो, पवित्रताई में चलते हो और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो, तो आप फलदार बनते हो। तब आप अपने कारोबार में, सेहत में, घर परिवार में और अपनी हर जगह चीज में फल लेकर आते हो। तब आप कभी भी पीछे नहीं रहते बल्कि हमेशा आगे ही रहते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हन्ना ने परमेश्वर की महिमा के लिए बेटे को मांगा तो परमेश्वर ने उसको गर्व के फल के साथ आशीषित किया और वो भी फलदार हुई और फिर कभी पीछे नहीं रही। आज जब हम बाइबल में हन्ना और पनीना के बारे में पढ़ते हैं तो हम हन्ना को याद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसको फलदार किया था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं मांगते, वचन नहीं पढ़ते और फलदार नहीं होते, और फिर वह कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, हम फल क्यों नहीं लेकर आ रहे, हम आशित क्यों नहीं हो रहे। यह इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा ही नहीं। जब आपने मांगा ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, हन्ना ने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया, और अगर वो प्रार्थना न करती तो वो परमेश्वर से दूर हो जाती, कुड़कुड़ाती, तो फिर चाहे वो सारी उम्र बैठी रहती तो भी फल लेकर ना आती। इसी तरह से आज कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनके जीवन से बीमारी दूर नहीं हो रही और नौकरी नहीं मिल रही तो वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इसीलिए वो फलदार नहीं होते और वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि आप पीछे ना रहे, आगे बढ़े, तो आपका फलदार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रार्थना में बढ़ो, परमेश्वर वचनों को पढ़ो, पवित्रताई में रहो और जो भी मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो, ताकि आप फलदार बन सके और ऊंचे किए जाओ, क्योंकि फलदार होना जरूरी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। घोषणा, यह घोषणा पास्टर जी की तरफ से आपके लिए की गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि यहाँ पर भी लोग
इन वचनों को पढ़े या सुन रहे हैं वह परमेश्वर के वचन पर मनन करे और प्रार्थना में बढ़े, फल को लेकर आए और ऊंचे किए जाए, इस वचन के द्वारा आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।